हमेशा अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री ही कह डाला। गिरिराज सिंह ने कहा कि जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हों, चाहे हाफिज सईद ही क्यों ना हो, सब यहीं से निकले हैं। CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के बारे में बोलते हुए कहा कि ये सभी CAA के खिलाफ नहीं, ये सभी भारत के खिलाफ हैं। क्योंकि अगर ये केवल CAA के खिलाफ होते तो शाहीन बाग से शर्जील इमाम की ये आवाज ना निकलती कि हम भारत को आसाम से काट देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के बड़बोले विधायक विक्रम सैनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। विक्रम सैनी के मुताबिक दिल्ली में आम आदमियों की सरकार नहीं बनी, वहां तो बेईमानों की सरकार बनी है, झूठ बोलने वालों की सरकार बनी है, दिल्ली में फ्री बिजली देने वालों की सरकार बनी है, देश के हित की बात करने वालों को हरा दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए काम किए उन्हें दिल्ली के लोगों ने भुला दिया, अब ये लोग पछताएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा साल 2020 में छात्रों की सुविधा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ऐसा बोर्ड की परीक्षा के इतिहास में पहली बार किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर के लिए प्रयागराज के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां बोर्ड परीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों की टीम तैनात रहेगी, जो प्रदेश भर से आए परीक्षार्थियों के फोन को रिसीव कर उन्हें परीक्षा संबंधित जो भी सवाल सलाह होगी उसे मुहैया कराएगी। यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में त्रिस्तरीय आरक्षण हटाए जाने का मामला अब दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। आरक्षण हटाए जाने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर छात्र नेताओं ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन प्रभात कुमार का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। मामले में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला है। छात्रों की मांग है कि जिस प्रकार से आरक्षण व्यवस्था पहले लागू थी उसे यथास्थिति लागू रखा जाए। यूपी में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए अच्छी पहल की है। इस पहल के तहत पश्चिमांचल के जिलों में बिजली के बकाया भुगतानों और नई योजनाओं को बताने के लिए मंदिर और मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर्स का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा SDO की गाड़ी, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर भी लाउड स्पीकर्स लगाकर इलाकों में मुनादी की जा रही है। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के नाम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को फोन करने के मामले में एक ट्रेवल व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की ये कार्रवाई मध्य प्रदेश STF ने की है। मध्य प्रदेश पुलिस इस मामले में भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पिछले महीने मध्य प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कराने के लिए राज्यपाल लालजी टंडन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से एक फर्जी फोन कॉल किया गया था। दिल्ली चुनाव के नतीजों के दिन ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जनता की सहूलियत को देखते हुए करीब 1.5 महीने से बंद रास्ते को खोल दिया। शाहीनबाग में चल रहे धरने की वजह से रास्ता बंद था। शाहीनबाग में अभी भी रास्ता बंद है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर से यमुना को पार कर फरीदाबाद जाने वाले रास्ते को पुलिस ने खोल दिया है। वैलेंटाइन डे के आने से पहले ही विरोध का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी विरोध को लेकर मुजफ्फरनगर में एक संगठन क्रांति शिवसेना ने लठ पूजन का कार्यक्रम किया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैलेंटाइन की आड़ में अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने अश्लीलता फैलाई तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा और ऐसे लोगों को क्रांति शिवसेना के स्टाइल में समझाया जाएगा। हमीरपुर में सरेआम गोली चलने से हड़कंप मच गया। ये वाकया हुआ राठ विधायक कार्यालय के सामने। प्रेम प्रसंग में नाकाम एक आशिक ने प्रेमिका के घर के सामने तमंचे से फायर झोंक दिया। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। अतुल सोनी नाम के आरोपी की शादी पहले इसी घर में तय हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से शादी टूट गई, तो खुन्नस खाए आरोपी अतुल सोनी ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बिजनौर पुलिस ने एक लूट का खुलासा करते हुए ITBP के जवान सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
29 दिसंबर को बुंद की शुगर मिल के पास से बियर ठेके पर तैनात सेल्समैन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में आईटीबीपी के जवान विनोद, जो कि असम में तैनात हैं, गिरफ्तार किया है। जवान ने अपने तीन दोस्तों अंकुर, राहुल और शुभम के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चारों बदमाशों को जेल भेज दिया है।